नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः ओनो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने भारतीय संविधान के तहत नागरिकता की समाप्ति की थी पार्ट टू की, और इसके साथ ही साथ हम इससे पहले जो है प्रस्तावना और भारतीय संविधान की विशेषताओं को देख चुके थे। और हमारा आज जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो वन डे एग्जाम हो और फिर चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, वो है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का पार्ट थ्री, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के तहत हम जो है देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं हम कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं और ये क्यों आवश्यक हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है और कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किए हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, और आज के लेक्चर में इसके साथ ही हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो स्थायी हैं अथवा अस्थायी। स्थायी मतलब उनमें कटौती की जा सकती है, और अस्थायी मतलब या नहीं की जा सकती। तो ये सब हम जो है आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम जो है मौलिक अधिकारों के बारे में देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, और इसके साथ ही देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं, क्या हैं और क्यों आवश्यक हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है, वर्णन जो है कहाँ पे किया गया है, और जो है मौलिक अधिकार जो है कितने प्रकार के सुनिश्चित किए गए हैं, कितने प्रकार के हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं इनका जो है ये स्थाई हैं या अस्थाई। तो आज का जो है लेक्चर इन मुद्दों पे रहेगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में हम एक क्रिएटिव प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम जो है आपको पर डे 10 क्वेश्चन जो है कराएंगे, जिसके तहत आपको उस चैप्टर का पिछले जो चैप्टर करा दिए गए हैं उनका रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जो है आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को करते हैं कंप्लीट, मौलिक अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं। तो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता के लिए उस राज्य के विरुद्ध दिए गए क्या हैं, अधिकार हैं। किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता के लिए नागरिक जो है उस देश का नागरिक या उस देश का जो व्यक्ति है, कुछ जो अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं। तो हमने नागरिकता में देखा था कि किसी भी देश में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है नागरिक, एक होता है विदेशी व्यक्ति। तो कुछ नागरिकों के लिए हैं स्पेशल, कुछ व्यक्तियों और नागरिक दोनों के लिए हैं। तो इसमें हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं नागरिकों या व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए क्या हैं, अधिकार हैं, जो किसके विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। ज़्यादातर अधिकार किसके विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। अब हम जो है देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं इनको क्या कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का
मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अब इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इन्हें क्यों कहा जाता है? तो हमें जो है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन नामक शासक हुआ करते थे 1215 ईस्वी में। तो आपको पता है कि ब्रिटेन में क्या है, निरंकुश मतलब कि वंशानुगत शासन चलता है। तो किंग जॉन जो शासक हुआ करते थे उस टाइम वहाँ पे क्या है, नागरिक अधिकारों के सुनिश्चित नहीं थे। तो सामंतों ने क्या किया, किंग जॉन पर दबाव बनाया और नागरिक अधिकारों से संबंधित एक लिखित प्रपत्र जारी करवाया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो वो जो मैग्ना कार्टा था वो नागरिक अधिकारों से संबंधित था और जो मौलिक अधिकार हैं वो भी नागरिकों के अधिकारों से संबंधित हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो है क्या है, क्यों है और क्या कहा जाता है। इसके बाद हम देखे हैं कि मौलिक अधिकार जो है कहां पर वर्णन किया गया है, इनका मौलिक अधिकारों का कहां पर वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो पार्ट थ्री में, पार्ट तीन जैसे हम भाग तीन भी बोलते हैं, भाग तीन में पार्ट थ्री में आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, कितने से लेकर 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में जो है पार्ट थ्री में, कौन से में, भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वन डे एग्जाम में तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि आप ये बताइए कि मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के किस भाग में हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पार्ट थ्री। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इस टाइप से, या घुमा देगा आपको कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है कौन सा या क्या प्रोविजन किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो आपको सीधा सा पता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हमने देखा ये। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो था कि कहाँ पर वर्णन किया गया है, ये हमने देखा। अब देखेंगे मौलिक अधिकार जो है कितने प्रकार के सुनिश्चित किए गए हैं, मौलिक अधिकार जो हैं कितने प्रकार के संविधान ने सुनिश्चित किए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, वर्तमान में जो है छः प्रकार के हैं। पहले जो है सात प्रकार के हुआ करते थे, कितने प्रकार के हुआ करते, सात प्रकार के। ये जो एक हटा दिया गया है वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार जो है, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया और इसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में रख दिया और अब ये जो है एक विधिक, क्या है, विधिक अधिकार है,
किन के लिए उपलब्ध है? न केवल नागरिकों के लिए बल्कि व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो इस पे इस बार जो है आईएएस में क्वेश्चन बना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है या व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, तो ये जो है हम देख रहे हैं हमने कि अभी वर्तमान में जो है कितने हैं, 6 हैं, और जो पहले हुआ करते थे 7 थे, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, 300 क में रख दिया गया अनुच्छेद के। अब इसके बाद जो है जो 6 अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, 6 अनुच्छेद जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो जो है हम देखने वाले हैं। पहला जो है वो है समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा जो है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठवा जो है वो है, छठवा जो है वो कहता है आपको आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट। तो आर्टिकल 32 कहता है ये। तो ये जो 6 अधिकार हैं अभी वर्तमान में, या जिसे हम बोल सकते हैं सुरक्षा संबंधी अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकार, ये हैं आपके 6 अधिकार। तो ये जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 से 30, और आर्टिकल 32। इससे जो है हम संवैधानिक संरक्षण का अधिकार भी बोलते हैं, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 32 को संवैधानिक संरक्षण का अधिकार भी बोलते हैं, और जो आर्टिकल 32 है उसे हम अधिकारों की सुरक्षा संबंधी अधिकार भी बोलते हैं। तो ये जो है हमने देखा कि 6 प्रकार के अभी वर्तमान में क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने प्रकार के हुआ करते थे, 7 प्रकार के। तो इसके साथ ही साथ जो है हम जो देखने वाले थे कि मौलिक अधिकार जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के हुआ करते थे, वर्तमान में कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। अब हम जो है मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्थाई हैं या अस्थाई इस बारे में बात करेंगे, जो प्रमुख केसेस चले थे, प्रमुख बाद हुआ करते थे उनके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद जो है हम आर्टिकल वाइज आर्टिकल कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है मौलिक अधिकारों में,
वो सब डिबेट करने वाले हैं। तो जो हम बात करेंगे कि इनकी विशेषता क्या क्या है, क्या है इनकी विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, क्या मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहली विशेषता जो है मौलिक अधिकारों की, कि मौलिक अधिकार जो है, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध। कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। अब वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इसके तहत पहला जो मौलिक अधिकार है वो है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान, जन्मस्थान के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। पहला जो आर्टिकल, इसे हम आर्टिकल 15 में इसका डिफाइन किया गया है। तो पहला जो आर्टिकल है कि जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है वो क्या है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये जो आर्टिकल है ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और जो दूसरा आर्टिकल है वो है लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। ये जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये किसको प्राप्त है, ये भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। और जो तीसरे नंबर का है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे हम आर्टिकल 19 में देखते हैं, किसमें देखते हैं, आर्टिकल 19 में। इसके तहत और भी कई स्वतंत्रताएं हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सब केवल किसके लिए हैं, नागरिकों के लिए। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, ये जो है दोनों के से रिलेटेड हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति संबंधित अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार। तो इस तरह हमने देखा कि मौलिक अधिकारों में जो 5 अधिकार हैं, जो 5 आर्टिकल्स हैं, वो केवल किसके लिए हैं, नागरिकों के लिए, केवल किसके लिए हैं, नागरिकों के लिए। कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो 5 अधिकार हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, ये किसके लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए। बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ साथ किसको भी प्राप्त हैं, विदेशी व्यक्तियों या व्यक्तियों को। तो हमने ये देखा कि केवल नागरिकों के लिए प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं, ये हैं। और इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसे आपको नोट्स में अच्छे से तैयार भी रखना है। तो हमने देखा कि ये जो 5 अधिकार हैं
ये जो पांच अधिकार हैं ये क्या हैं? केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट विशेषता हमारी जो है, हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो बाद योग्य हैं। क्या हैं? बाद योग्य। बाद योग्य का क्या मतलब होता है? बाद योग्य का मतलब होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या जो है अधीनस्थ न्यायालयों में जा सकता है अपनी जो अधिकारों की सुरक्षित करने के लिए। तो मान के चलते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति जो है सार्वजनिक होटल में गया, होटल जाता है और उसके साथ जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कि भाई तू लोअर कास्ट से आता है या तू इस कास्ट से आता है या तेरा धर्म ये है, हम इस धर्म वालों को एंट्री नहीं देंगे, तो यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो वो सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर मतलब अपील कर सकता है और उसके जो है विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने ये भेदभाव किया है। क्योंकि आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 हमने देख लिया कि बाद योग्य है या नहीं, क्या है मौलिक अधिकार जो हैं, क्या हैं? बाद योग्य हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। क्या हैं? सीमित हैं। सीमित का मतलब हो गया एक लिमिट है, लिमिट यानी कि छः अभी क्या है? सीमित हैं। और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं क्या है? मौलिक अधिकार जो हैं वो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं। क्या है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं। तो मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्तियुक्त का मतलब, युक्तियुक्त का क्या मतलब हो गया? मतलब तर्कसंगत, तर्कसंगत यानी कि वैलिड। यदि कोई आधार वैलिड होगा, यदि कोई आधार जो है वैलिड होगा तो उस आधार पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं सार्वजनिक जगह पर जाके कुछ भी करें। जैसे कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप क्या कर रहे हैं? आप सड़क पर जाकर जो है चाय की दुकान खोल ली आपने और कोई आपको हटा रहा है तो आप कोर्ट चले गए कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था और जो ये व्यक्ति है हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो वहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे कि धारा 144 लागू हो गई तो वहाँ पे क्या होता है कि तीन से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते एक ग्रुप में, और आप जो है बोलते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमें जो है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, तो इस आधार पर जो है आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि ये जो है सार्वजनिक हित के विरुद्ध है, तो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो है हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी। नेक्स्ट विशेषता जो है कि मौलिक अधिकार जो हैं क्या हैं? ज़्यादातर राज्य के विरुद्ध हैं। क्या हैं? ज़्यादातर मौलिक अधिकार क्या हैं? राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य के विरुद्ध मतलब
राज्य ये नहीं कर सकेगा, राज्य वो नहीं कर सकेगा, मतलब राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं सीमित करता है। क्या है? राज्य की सीमाओं को सीमित करता है, राज्य की सीमाओं को सीमित करता है। क्या है? राज्य की सीमाओं को सीमित करता है। मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य की सीमाओं को सीमित करते हैं कि राज्य जो है ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो राज्य शब्द हम अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे कि राज्य क्या, राज्य किसे बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि ज़्यादातर मौलिक अधिकार क्या हैं? राज्य के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि राज्य जो है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता रखेगा। क्या रखेगा? राज्य जो है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता रखेगा। राज्य आर्टिकल 14 जो है वो कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के समक्ष, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम देखें कुछ आर्टिकल्स राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं, वो हम सब देखने वाले हैं। तो ये जो हैं ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं? राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो है जो हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है कि राज्य जो है, राज्य जो है, राज्य जो है नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता, नागरिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। ये अब इसके साथ जो नेक्स्ट विशेषता है हमारी वो है कि मौलिक अधिकार जो हैं ज़्यादातर मौलिक अधिकार क्या हैं? ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो हैं नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। क्या हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। अब इसका क्या मतलब है? नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। नकारात्मक का मतलब होता है कि जिसमें नेगेटिव शब्द है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पॉजिटिव मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये करना है, वो करना है। तो ज़्यादातर मौलिक अधिकार क्या हैं कि जैसे कि राज्य ये नहीं करेगा, जैसे कि आर्टिकल 15 जो है वो कहता है 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, आर्टिकल 16 वो, आर्टिकल 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि कानून के समक्ष समता रखनी होगी। समझ रहे हैं ना? निगेटिव मतलब ये नहीं करना है आपको, राज्य ये नहीं करेगा, व्यक्तियों को ये नहीं करना है, ये सब क्या है? आर्टिकल, ये निगेटिविटी है। क्या है? नकारात्मक। तो ज़्यादातर क्या है वो बोलते हैं कि ये सब नहीं करना है। तो ज़्यादातर अधिकार कैसे हैं? नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो हमने देखा मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, क्या देखी हमने? मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। एक चीज़ और देखनी है इसमें मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में कि क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, कि क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्थगित, क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? तो इसका मतलब है हाँ। कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल के समय। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या है? मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। दरअसल आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है राज्य आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तो ये जो 3 आपातकाल होते हैं उस समय जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या है राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या है?
स्थगित किया जा सकता है और आर्टिकल 19 जो है वो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी स्थगित नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 19 को जो है स्थगित करने के लिए आर्टिकल 359 में जो है प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है हम राष्ट्रीय आपातकाल में पढ़ने वाले हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है कब किया जाएगा, कब स्थगित किए जाएंगे, कब प्रतिबंध लगाया जाएगा और जो प्रतिबंध लगाने का आधार होगा उसको बैलेट कौन करेगा। ये सब हम जो है क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इस सबको। इसके साथ ही साथ जो है हम अब जो है बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक, सबसे जो चर्चा में रहता है, जहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है, वो है क्या मौलिक अधिकार जो हैं वो स्थाई हैं या अस्थाई। मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या हैं, स्थाई हैं या अस्थाई। मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार स्थाई, मौलिक अधिकार जो हैं वो स्थाई हैं या अस्थाई। क्या है अस्थाई, ये सब हम देखने वाले हैं कि मौलिक अधिकार स्थाई है या अस्थाई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्थाई और अस्थाई का मतलब क्या है। स्थाई का मतलब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और अस्थाई का मतलब हो गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया वो पहला था शंकरी प्रसाद केस। क्या था पहला जो केस था वो था शंकरी प्रसाद केस। क्या था पहला केस, शंकरी प्रसाद केस। और जो दूसरा केस था वो था सज्जन सिंह वाद। क्या था सज्जन सिंह वाद। ये 1951 में आया था और ये जो है 1965 में आया था। तो ये दो बात थे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या हैं, अस्थाई हैं। यानी कि संसद के पास ये शक्ति है कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अब संसद को ये अधिकार मिल गया, या फिर ये कह सकते हैं कि संसद को ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनिश्चित हो गई कि मौलिक अधिकारों में क्या है, संशोधनीय हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं, संशोधनीय हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन जो है केवल आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत से किए जाएंगे। तो शंकरी प्रसाद जो 1951 में मामला आया था और सज्जन सिंह बाद जो 1965 में मामला आया था, उसने स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार क्या हैं, संशोधनीय हैं या बोलते हैं अस्थाई हैं। इसके बाद 1967 में एक केस आता है, 1967 में जो है एक केस आता है, 1967 में एक केस आता है जिसका नाम है गोलकनाथवाद। क्या है गोलकनाथवाद जो आया था 1967 में। गोलकनाथवाद ये क्या था, इसमें दरअसल इससे पहले जो है जब ये दोनों निर्णय आए थे, तो इन दोनों निर्णयों के बाद संसद ने धुआंधार जो है मतलब लिमिट से ज़्यादा संशोधन किए। तो फिर उसके बाद गोलकनाथवाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। क्या है, संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, संसद की शक्ति मौलिक अधिकार सीमित हो गए, क्या हो गए, स्थाई हो गए। अब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है, स्थाई है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, एक चौथा वाद आया आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वाद, वो था
केशवानंद भारतीय वाद, कौन सा? केशवानंद भारतीय वाद, केशवानंद भारतीय वाद, केशवानंद भारतीय वाद जो है वो 1973 में आया था। किस में आया था? 1973 में। दरअसल ये मैंने सन इसके साथ में इसलिए लिखाई है क्योंकि वो क्रम से भी लगाने पूछ लेता है कि शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और सज्जन सिंह और केशवानंद भारतीय वाद क्रम से लगाइए। और यूपीएससी के इस पेपर में, जो यूपीपीसीएस के इस पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दो दिए थे कि गोलकनाथवाद और क्या बोलते हैं केशवानंद भारतीयवाद, और एक 24वां अमेंडमेंट था और एक 42 अमेंडमेंट था। ये चार ऑप्शन थे और क्रम से पूछने के लिए बोला गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमने देखा कि गोलकनाथवाद में स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि संसद के पास जो है मौलिक अधिकारों के संशोधन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारतीयवाद आया तो केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया कि संसद जो है अमेंड कर सकती है। क्या है? अमेंड कर सकती है, यानी कि संशोधन कर सकती है। पहली चीज, संशोधन कर सकती है। पहली चीज क्या है? संशोधन कर सकती है केशवानंद भारतीयवाद, केशवानंद भारतीयवाद। इसमें क्या कहा? संशोधन कर सकती है, लेकिन लेकिन क्या कह दिया गया? दूसरी चीज कि अमेंड करते समय मूलभूत ढांचे का क्या है? मूलभूत ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि केशवानंद भारतीयवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। मौलिक अधिकारों का ऐसा नहीं है कि सबको हटा सकती है या सबको परिवर्तन कर सकती है। नहीं, मौलिक अधिकार केवल वो परिवर्तन कर सकती है जिससे मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब जब ये अवधारणा आई कि मूलभूत ढांचा, क्या मूलभूत ढांचा, कि मूलभूत ढांचे से क्या अभिप्राय है, तो मूलभूत ढांचे के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि मूलभूत ढांचे का क्या तात्पर्य है या परिभाषित कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए कि मूलभूत ढांचा क्या होता है और कौन 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 से अंग हैं मूलभूत ढांचे के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये व्यापक अवधारणा है, हम इसे अभी अभी जो है डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अभी डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते? अभी डिफाइन नहीं कर सकते। पर हाँ, कुछ उन्होंने टर्म दिए जैसे कि संघीय व्यवस्था है, इसे आप नहीं हटा सकते। शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण है, इसे आप नहीं खत्म कर सकते। शक्तियों का पृथक्करण है, इसे आप नहीं खत्म कर सकते। तो ये कुछ मौलिक अधिकार थे। उदाहरण के लिए एक ये हो सकता है आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं या इन्हें हम बोल सकते हैं मूलभूत ढांचा। क्या बोल सकते हैं? मूलभूत ढांचा। तो केशवानंद भारतीयवाद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अमेंड हो सकते हैं और इसके साथ ही साथ संसद को या सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। क्या है? सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक रूप से प्रभावित का मतलब आर्टिकल 21 को आप और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में क्या किया गया है, भुलाए जाने का अधिकार, राइट टू बी अलोन। मतलब राइट टू बी अलोन मतलब अकेले रहने का अधिकार। ये जो दोनों अधिकार हैं ये अभी आर्टिकल 21 में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 21 का क्या है?
विस्तृत वर्णन है, यानी कि ये और ज़्यादा व्यापक कर दिया जा रहा है। क्या है? और ज़्यादा व्यापक कर दिया जा रहा है। इसे ही बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ये है। तो हमने ये देखा कि मौलिक अधिकार जो है गोलकनाथवाद में अस्थाई बोल दिए गए, और केशवानंद भारतीवाद में अब क्या हो गया? अस्थाई हो गए। और अस्थाई हो गए का मतलब परिवर्तन हो सकता है, बशर्ते उसके मूलभूत ढांचे में क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं हो सकता। मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो है हम जो है एक चीज़ जो है मतलब कि कभी कभी हताश होते रहते हैं कंटिन्यू करते करते, तो हमें हताश तो होना है नहीं। एक लंबा प्रोसेस है पढ़ने का। जब लंबा प्रोसेस है पढ़ने का तो हम क्या है धीमी गति से बढ़ सकते हैं। क्या है? धीमी गति से। यदि आप लंबी रेस में क्या है तेज गति से भागोगे तो जल्दी रुक जाओगे। क्या है? जल्दी रुक जाओगे। यदि जल्दी रुक गए, धीमी गति से चलने में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपको क्या है पढ़े पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 18 घंटे पढ़ लिए और फिर अगले दिन बीमार और रुक गए। आप पढ़े 8 से 10 घंटे पढ़िए, 6 से 8 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ब्रेक मत कीजिए। अगर आपने ब्रेक कर दिया तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए एक भवानी प्रसाद मिश्र करके एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। मतलब कि कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कल हैं आप उससे आगे ग्रोथ होनी चाहिए अगले दिन। ऐसा नहीं है कि जो कल थे वही आज हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं किया, कोई ग्रोथ ही नहीं की। तो कुछ ना कुछ तो आप में ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि धीमे धीमे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, बूंद बूंद से क्या हो जाता है घड़ा भर जाता है। तो वो जो है आपको करना पड़ेगा, बूंद बूंद अपने अंदर डालनी पड़ेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन जो है आप भर चुके होंगे और सफलता आपके कदम चूम रही होगी। तो ये सब जो है आपको धीमी गति से बढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो है कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो हमने जो है मौलिक अधिकार में देखा कि मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है और मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार जो हैं कितने प्रकार के दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं, उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और कुछ जो हैं नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध किए गए हैं। इसके साथ ही जो है कुछ मौलिक अधिकार जो हैं केवल नागरिकों के लिए हैं। इसके साथ ही जो है मौलिक अधिकार जो हैं बाध योग्य हैं और साथ ही साथ इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और ये जो है आपातकाल के समय इन्हें जो है स्थगित किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट हैं वो है कि ज़्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, और इसके साथ ही ज़्यादातर मौलिक अधिकार जो हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति लिए हुए हैं। ये हमने सब चीज़ देखी कि नकारात्मक प्रवृत्ति और सकारात्मक प्रवृत्ति क्या होती है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो स्थायी हैं अथवा स्थायी। तो हम जो है अब जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित को क्रम से लगाइए, निम्नलिखित को क्रम से लगाइए। यह है, इसके ऑप्शन दे दिए, ए सज्जन सिंह बाद, बी गोलकनाथ बाद, सी शंकरी प्रसाद बाद, और जो डी ऑप्शन है वो है आपका केशवानंद भारतीय बाद। क्या है? केशवानंद भारतीय बाद। ये आपके चार ऑप्शन हैं और आपसे बोल देगा कि निम्नलिखित को क्रम से लगाइए। तो आपका जो है, यदि आपने अभी पढ़ा है, आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो आपने देखा कि जो शंकरी प्रसाद बाद है वो सबसे पहले आता है 1951 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार जो हैं क्या हैं, अस्थाई हैं। क्या हैं? अस्थाई हैं। उसके बाद जो है सज्जन सिंह बाद जो है उसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, ये अस्थाई हैं। क्या हैं? अस्थाई। 1965 सज्जन सिंह बाद, और गोलकनाथ बाद किसमें है? 1967। इसमें क्या कह दिया गया कि मौलिक अधिकार क्या हैं? स्थाई। और केशवानंद भारती बाद 1973। क्या है? 1973। यदि इनको हमको क्रम से लगाना रहेगा तो हम लगा देंगे C, C, A, B और D। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C, A, B, D। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। क्या हैं? सिर्फ नागरिकों को। क्या हैं? प्राप्त हैं। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। अब पूछ रहा है कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, और आपको जैसे दे दिया स्टेटमेंट, पहला है आर्टिकल 15, दूसरा दे दिया आर्टिकल 17, तीसरा दे दिया आर्टिकल 19, चौथा दे दिया आर्टिकल 22, और कूट दे दिया आपको। क्या दे दिया? कूट। कूट में क्या है? पहला ऑप्शन है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। दूसरा ऑप्शन है 1, 3, 4, 1, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 3। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका सभी। क्या है? सभी। अब आपको बताना है कौन कौन से अधिकार जो हैं केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22। आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा सरल करने के लिए मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि धर्म, 5 आधार जो है दिए गए हैं, धर्म जाति लिंग
वंश और जन्मस्थान, जन्मस्थान जन्मस्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 जो है वो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 जो है वो कहता है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, संरक्षण। ये जो है मैंने आपको बता दिया कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है या कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो आर्टिकल हमने देखा था कि जो हमने देखा था पिछले मामले में कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ किसको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो हम जो देख रहे थे वो था हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नागरिकों को प्राप्त, तो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 17 नहीं था, आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 19 और 29 और 30, तो 29 और 30 इसमें है नहीं, 16 है नहीं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा 1 और 3 आंसर होगा, क्या होगा, 1 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो हमने देखा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। और हमको जो है क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे अगली बार से, एक दो दिन में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर एक घंटे की क्लास रहेगी तो 45 मिनट जो है हम आपको क्लास कराएंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद जो 15 मिनट रहेंगी उस 15 मिनट में हम आपको जो है प्रीवियस जो हमने क्लास ले रखी है, जो कंप्लीट करा रखा है, उससे संदर्भ में क्वेश्चन कराएंगे लगभग 10 सेकंड के करीब, और उसका एनालिसिस देंगे, जिससे आपको जो है प्रीवियस चैप्टर का क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ओनो स्टडी चैनल के संदर्भ में ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।